गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर लाइव जेई मेंस का टेस्ट देने वाले हैं। वो अभी 8 मिनट में स्टार्ट होगा। तो तुम लोग बता दो, मैंने कोई एक वर्ड भी स्टडी नहीं किया है जेई मेंस के लिए, और मेरा 29 को पेपर जेई मेंस में। देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है भाई। मैंने 2 का स्ट्रेटजी लगाया है, देखते हैं भाई। अभी 3 आवर के एग्ज़ाम है, देखते हैं, देखते दिखा देते हैं आपको गाइस। 8 मिनट में स्टार्ट हुआ मॉक टेस्ट, देखते भाई कितना निकलता है। देखिए आप लोग को यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा क्या तुक्का काम करता है क्या नहीं करता भाई जेई मेंस के लिए। क्या तुक्का से कोई जेई मेंस क्रैक कर सकता है कि नहीं, आज यहाँ पे प्रूव हो जाएगा भाई। देखते भाई कितना नंबर स्कोर होते हैं। तो भाई स्टार्ट होने में भी वक्त है, तो जल्दी जल्दी चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कॉमेंट अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा शेयर करो भाई। हमारा एम है 400 सब्सक्राइबर का, अप टू भाई फरवरी एंड तक भाई 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। तब तक इस पर बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी अच्छी अच्छी चीज़ें। कल मैंने लाइव खेल रहा था भाई, एग्ज़ाम है भाई, गेम खेल रहा था, लाइव स्ट्रीम खेल रहा था, तो जाके इसको भी देख लेना कभी। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट होने में भी वक्त है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। भाई आज हम देखेंगे मतलब कि क्या बिना पढ़े रिजल्ट आता है जेई मेंस में, लेकिन एडवांस के लिए बिना पढ़े नहीं होगा भाई। आप लोग NIT तक ही हैं, लेकिन वो भी देख रहे हैं भाई, अगर बिना पढ़े आप एग्ज़ाम दे पाते हो क्या जेई मेंस के लिए, क्रैक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो सब देखते हैं आज यहाँ पर लाइव हम लोग। तो लाइव रहना है भाई हमारे साथ, 6 मिनट में हम लोग स्टार्ट हो जाएगा। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ जब भी गेम स्टार्ट, सॉरी गेम बार गेम खेलते हैं, जब भी मेरा टेस्ट स्टार्ट होगा उसके 30 या 20 सेकेंड पहले मैं ऑन कर दूँगा। ओके ठीक है गाइस, तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो गाइस कुछ ही सेकंडों में हमारी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होता है, और यहाँ पर 30 सेकंड लेफ्ट है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और यहाँ पे स्टार्ट होने भाई 3, 1 ये गाइस स्टार्ट हो गया यहाँ पर। तो चलते हैं ज्वाइन करते हैं भाई, भाई धक धक। अरे सेट यार, कोड एक लगाना पड़ा, ये अलग दिक्कत है यार। अन अकेडमी लिख देता हूँ सीधे। चलो भाई वो हो, इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ने चाहिए, देखो रीडिंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली इन द क्वेश्चन पेपर डिवाइडिंग 3 सेक्शन, पार्ट 1 ए फिजिक्स, पार्ट 2 6 ठीक है, 30 क्वेश्चन है, पार्ट है 2 सेक्शन। सेक्शन ए में मैक्सिमम मैक्स 80 मार्क्स का है। सेक्शन ए दिस सेक्शन कैरी 20 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स, ओनली वन ऑफ दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है। फॉर ईच क्वेश्चन चूज ऑप्शन कॉरस्पॉन्डिंग द करेक्ट आंसर, द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन विल इलिमिनेटेड अकॉर्डिंग द फॉलोइंग मार्किंग स्कीम। फुल मार्क्स 4+4 इफ वन द करेक्ट आंसर इज 0 मार्क्स, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज चूजन नेगेटिव मार्क्स 1। अच्छा सेक्शन बी है 20 मार्क्स का। सेक्शन दिस सेक्शन कंटेन 10 क्वेश्चन, कैंडिडेट हैव अटेम्प्ट 5, 10 में से 5 कोई अटेम्प्ट करना है। इफ मोर देन 5 अगर ज़्यादा अटेम्प्ट कर देन ओनली फर्स्ट 5 अटेम्प्ट क्वेश्चन माना जाएगा ठीक है। द नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन इन न्यूमेरिकल वैल्यू विथ डिजिट इंटीग्रल इन डेसिमल इन ये सब है। फुल मार्क्स 4 नंबर का है, 0 मार्क्स इफ नॉन ऑफ द ऑप्शन सेलेक्टेड, एंड नेगेटिव मार्क्स -1 अगर कोई आप रॉन्ग करते। चलो ठीक है, यही बात है भाई कि सेक्शन ए में सब करना है, सेक्शन बी में सिर्फ 5 करना है। चलो मैंने 30 में 25 बनाया। चलो बिगन द टेस्ट। तो गाइस वीडियो बनाने के चक्कर में 2-3 मिनट जैसे ही खत्म हो गया भाई। देखो कहते हैं डायटोमिक गैस है विथ अ रिगिड मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स डॉट 10 जूल ऑफ वर्क विथ एक्सपेंडेटेड कॉन्स्टेंट प्रेशर व्हाट विल बी द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द गैस इन द प्रोसेस ठीक है। 10 जूल का वर्क डन किया गया है और उसमें कौन सा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एटॉमिक गैस रिगर्ड 10 जूल ऑफ वर्क एक्सपेंडेड कॉन्स्टेंट प्रेशर ओके व्हाट शुड बी द हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय द गैस इन द प्रोसेस। देखो इसके लिए मैंने एक देखो एक्सट्रीम ऑप्शन इसमें क्या है 50 जूल है और सबसे लोएस्ट क्या है 20, तो ये दोनों में से तो ऐसे नहीं होगा भाई, आपके होगा 30 और 35 ऑप्शन, ये दोनों में से कोई एक करेक्ट है। तो आपको 50-50 के यहाँ पे है व्हाट शुड बी द हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब इन द हीट। अच्छा हीट एनर्जी फार्मूला क्या होता है भाई, एच इक्वल टू IR² T ओके। अगर IR² करते हैं डाई एटॉमिक यानी 2 एटम गैस को रिगर्ड करते हैं 10 20 व्हेन एक्सपेंडेड कॉन्स्टेंट व्हाट शुड बी द हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब ओके
मेरे हिसाब से गाइस 30 जूल इज करेक्ट आंसर। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट। भाई इसमें से जो आएगा मैं वही अटेम्प्ट करने वाला हूँ क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। देखो टू इक्वल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन ए सीरीज इन ए बैटरी कंज्यूम इलेक्ट्रिक पावर 60 वाट। इफ दिस रेजिस्टेंस आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम बैटरी द इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड इन ए वाट। देखो सीरीज में था तो 60 वाट का था, तो भाई सीरीज में ना वोल्टेज क्या करते हैं चेंज करते हैं, और पैरेलल में आते हैं तो भाई इसके वोल्टेज क्या होते हैं डिफरेंट हो जाते हैं राइट। तो इसके लिए करना पड़ेगा द इलेक्ट्रिक पावर विल कंज्यूम। ओके जैसे कि स्ट्रीम ऑप्शन इसमें देखो 240 वाट है और सबसे कम वाट है 20 वाट, तो हमने तुक्का कॉम्बिनेशन लगाना है 40 वाट या 120 वाट। ओके तो इसमें पूरा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे गाइस दो को इक्वल रेजिस्टेंस है जो कि कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है मान लो कोई रेजिस्टेंस है R1 R2 दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है सीरीज में है तो टू R1 है तो 2R हम लोग मानते हैं, उसका पावर है 60 वाट का। ठीक है अगर इन दोनों को हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में, ठीक है तो पैरेलल में क्या करता है ना हमारा इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम इन वाट, अच्छा VI होता है। अच्छा तो पैरेलल में तो क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा हमारा राइट। R/2 है 60 हो जाएगा भाई, 60 वाट पावर था। सुनो बन जाएगा, ये क्वेश्चन बनने वाला है भाई। देखो एक कॉपी की जरूरत पड़ेगी भाई, यहाँ पर मिल गया। ओके गाइस अब हम तड़का धमाल मचाने वाले हैं भाई। R1 + 1/R ठीक है 2R रिवर्स करेंगे तो R/2 60 वाट दिया है, 60 × 20 गाइस यहाँ पे 120 वाट होना चाहिए। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सरे जनरेटेड एंड एक्सरे ट्यूब। एक्सरे मुझे याद, देखो वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिक्रीजेज व्हेन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टेंजेंट इंक्रीजेज रेडियस। हाँ रेडियस बचता है तो भाई होता है सर। द इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिकल पावर गिवन द एक्सरे ट्यूब। कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट। कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द देखो सिमिलर ऑप्शन कौन कौन से हैं यहाँ पर गाइस, यहाँ पे सिमिलर ऑप्शन कौन कौन से हैं। सिमिलर ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपको उन्हीं में से एक होता है। ठीक है देखो कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट। ठीक है कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सरे ट्यूब यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहा भाई। एनर्जी में वेवलेंथ का बात होता है ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है SC/λ, तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ेगा तो आपका वेवलेंथ बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई। तो कट ऑफ वेवलेंथ कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड ऑन द हाँ टी ऑप्शन इज ऑलमोस्ट 100% करेक्ट है। फोर क्वेश्चन कहता है इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ कोहेरेंट वेव्स A1/A2 इज इक्वल टू 1/3 द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज विल बी। भाई इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज भाई पढ़ना है आपको, बता दूं शायद फिजिक्स में है 89 चैप्टर में शायद। देखिए स्ट्रिंग क्या है 18 है और सबसे कम अंक क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो आपको 4 और 9 में से बताना है भाई। देखो रेशियो है इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है ना 1/3 दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ए निकालना तो A1 + A2 करते हैं तो रेशियो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज विल बी। देखो रेशियो बोला है एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ कोहेरेंट का एम्पलीट्यूड दिया हुआ ठीक है A1/A2 रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज विल बी। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का फ्रिंज का क्या होगा फोर होगा। हम लोग जब A1 + A2 करते हैं भाई वही ना 4 होना चाहिए यार। चलो कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन है 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो एक कॉपर वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है ठीक है एरिया दिया है। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है INEVD होता है ना
आई एनी वीडियो ये तो फॉर्मूला याद है ठीक है फोटो ठीक है कहता है इफ़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर इतना है द वैल्यू ऑफ वी इज एम एम इज चूजन टू टेक ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है वैल्यू ऑफ वी वी निकालना है डेंसिटी दिया है एड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन देखो करंट दिया है 1.5 जो है कॉपर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया दिया है 5 mm इफ़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है यानी सिग्मा मान लो 9×10⁸ वैल्यू ऑफ वी बताना है इन mm ठीक है तो 1.5 NeA नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट ओके अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड करता हूँ 5×10 आता है नीचे 3×10 यानी 0.3 समथिंग हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर गाइस देखो 2 या 3 में से ऑप्शन कोई करेक्ट है ठीक है आपको बता देता हूँ 2 या 3 में से सब ऑप्शन सबसे ज़्यादा करेक्ट आपको जो लग रहा है वही मारना है तो मेरे हिसाब से इतने से मैं कन्फ्यूज गया हूँ ना क्या तो इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने के लिए मैं इसको मारना है क्वेश्चन को सेव करता हूँ छोड़ता हूँ इसको 5 नंबर को कहते हैं फिगर 7 देयर आर 2 सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R1 and R2 इन विच अ करेंट इज फ्लोइंग द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी देखो सब में म्यूनिट आई बाई फोर है लेकिन म्यूनिट आई बाई फोर R1 + R2 R1 - R2 इसमें देखो ये भी सब चारों ये दोनों इसमें सेम है ये दोनों इसमें सेम है ठीक है बात करता है मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ ठीक है हाँ सेंटर में पूछा कितना इजी है भाई ये इजी है क्वेश्चन इसको आप इजी क्वेश्चन बोल सकते हो कैसे म्यू नॉट आई बाई 4 πr होता है ठीक है अब सेंटर पे एक रेडियस R1 है R2 है यानी R1 R2 करेंगे म्यू नॉट आई बाई 4π कॉमन ले लेना तो 1/R1 + 1/R2 करना है सिंपल है भाई तो म्यू नॉट आई बाई 4π R1 × R2 / R1 अब कट गया R2 + R1 सी ऑप्शन इज मोस्टली करेक्ट सी ऑप्शन इज ऑलमोस्ट करेक्ट कहता है भाई एक कंसीडर करो एक पीवी डायग्राम है ठीक है ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस द नेट हीट सप्लाइड इन अ सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस ये प्रेशर है ये वेलोसिटी शायद है पूछ रहा है गिवन बिलो ऑफ साइक्लिक प्रोसेस फाइंड नेट हीट हीट बताना है H=IR² होता है ना I² R H=2 इसमें क्या क्या प्रेस V/R होता है तो I की जगह में V/R लिख कर V/R कट जाएगा तो V²/R H लिख सकते हैं तो हमें V कितना दिया भाई 70 है और यहाँ देखो भाई यहाँ पे देखो सबसे एक्सट्रीम कितना है 0.625 πj और सबसे लोस्ट 0.1 J/π इन दोनों में से हमको एलिमिनेट करना भाई ओके 17 का स्क्वायर करो तो 140 अपॉन में 20 का 40 ओके भाई 0.25 या 2 आएगा ठीक है 70 का
70/40 करूँगा। वन बार में 7, 5, 6, 7, 3 है, 0, 30। वन हो जाएगा ये तो भाई 0.1। 17/20 कर दो भाई, 2, 3, 6, 10, 11, 5, 3.5। भाई टाइम कट रहा है, इसको हटाओ भाई, क्वेश्चन रिपीटेड है। भाई 5 क्वेश्चन है, 7 है, मतलब रिपीट है। ए पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, इट स्टार्ट रेस, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन √3t। टाइम आफ्टर विच द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एन की पावर 2/3 सेकेंड, द फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या 5 है और सबसे कम 2, 4 और 3 में से हमको डिटेक्ट करना है, राइट। वो 1 मीटर जाता है, हमें एन की वैल्यू पूछ रहा है। साइन 30 लोगे तो साइन 30 1/2 और कॉस 3√3/2 होता है। ठीक है, साइन 30 लेते हैं 1/2 √3 इंटू, अगर हम लोग टी 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 √3/2 गाइस 3 डालोगे तो 3 9, तो 3 3/2, 4 डालोगे 4 3 12, 2 4 2 करोगे तो 2 2 4 और 4 में 3 4 3 12। ओके 2 3 1 2 2 2 करता हूँ, तो मैं √3/2 लेता हूँ और √3 × 3 किया, ये तो 9/3 हो जाएगा। फोर लूँगा तो भाई √3 4 12। बाबू भैया एक्सेलरेशन यू प्लस मी, आई होप गाइस 3 आंसर सही हो। चलो बॉल इम्प्लाई डायरेक्ट इम्प्लिंग डायरेक्टली अनदर बॉल एट रेस्ट, द फर्स्ट बॉल इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय द इम्पैक्ट, इफ हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट बाय द इम्पैक्ट, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिजोनेंट इज 1/n, द वैल्यू ऑफ n इज। हमें तो पहले पता है कि 1 और 4 नहीं और 2 और 3 में निकालना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोला है बॉल इम्प्लाई अंदर बॉल एट रेस्ट, द फर्स्ट बॉल इज ब्रॉट टू रेस्ट टू इम्पैक्ट, इफ हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट बाय द इम्पैक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट रिएक्शन इज। तो गाइस यहाँ पे हाफ ना होना चाहिए, 1/n का वैल्यू 2 हो जाएगा, अब हाफ आप जोड़ देंगे तो भाई राइट। चलो एक हीट सोर्स है, टेम्परेचर 1000 केल्विन इज कनेक्टेड टू कनेक्टेड टू अनदर हीट रिवॉल्व टेम्परेचर, ए कॉपर स्लैब डेट इज 1 mm थिक, गिवन डेट थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर इज 0.1 W/m³ केल्विन, द एनर्जी फ्लक्स थ्रू इन द स्टेडी स्टेट इज। स्ट्रिंग क्या है 200 है और सबसे लोएस्ट क्या है 65, राइट। तो हमें ए और बी ऑप्शन देखना है, 90 और 120, राइट। फाइंड क्या करना है, कंडक्टिविटी द एनर्जी फ्लक्स थ्रू आउट इज स्टडी, करेक्ट, एनर्जी निकालना है, राइट। तो तू 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 ओ माय गॉड, यहाँ पर
तो कुछ तो गड़बड़ है ही। हाँ, एक हीट सोर्स का टेम्परेचर इतना कनेक्टेड, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 1000 केल्विन है, आज 100 है। यो यो जोगिंदर केल्विन और इसका कंडक्टिविटी 0.1 दिया है। यो जोगिंदर, यो जोगिंदर। सीताराम बोल दीजिए, एक सेकेंड, 1000 100 करेंगे तो 0.01 1900 को हम लोग करेंगे क्या? जो होगा मैं मारना चाहता हूँ 120 वाट। मारा आप लोग को क्या बुझा रहा है भाई, कमेंट बताओ। ये तो मालूम है ना कि 19 और 120 में से कोई होगा, ठीक है? तो ज़्यादा स्टेबल कब होगा? जब उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा ही ना, उसको ना 90 कर देंगे। अच्छा एक बात समझा, ऐसे थ्योरी समझते हैं। मीटर केल्विन द एनर्जी फ्लक्स थ्रू इन द स्टेडी स्टेबल, स्टेबल कब होगा? जब एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा तब, नहीं ना भाई? चलो करता है भाई, इसमें देखो 60 और 37 दोनों का एलिमिनेट कर दो, 45 53 के बीच में दोनों चलेगा हमारा का। कहते हैं एक पार्टिकल है ए एंड बी, ए और बी है, आर प्रोजेक्टेड सिमुलेंटेसली इन द डायरेक्शन शोन इन वेलोसिटी, वी 25 दिया है एंड वी भी 10 इतना। इफ द कोलाइड इन एयर आफ्टर 2 सेकेंड थीटा डिग्री इज, यहाँ पे गाइस यहाँ पे ये फॉर्मूला लगने वाला है, वी इज इक्वल टू यू प्लस टी टी 25/10√3 गुना 2 सेकंड पे करेंगे। पाँच 10 5 5/2√3 एक पार्टिकल एयर भी प्रोजेक्शन कर रहा है। अच्छा इसका म्यू साइन थीटा एक फार्मूला होता है, म्यू वी साइन थीटा, अगर मैं करूँ sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, अच्छा 10√3 √3/2 म्यू है, ये है √3 कट गया भाई उधर से 20 आया, उधर था हमारा 25, 5/4 वाह भैया, 2 सेकंड में बताना है ठीक ठाक। ये देखो 45 डिग्री ऐसे जाएगा, मीट करेगा भाई। -53 मारो यार, चलो -MgL/2 MgL -MgL भाई। ये देखो इधर को आइए, सी और डी सिमिलर है, इन दोनों में से ये तो कंफर्म है कोई तुम्हारे आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक मैन प्लेस प्लेसेस अ चेन ऑफ मास एम एंड लेंथ एंड ऑन अ टेबल स्लोली, इनिशियली द लोअर एंड ऑफ द चेन जस्ट टचेज द टेबल, द मैन ड्रॉप द चेन वेन हाफ ऑफ द चेन इज वर्टिकली अपोजिशन, देन द वर्क डन इन द मैन इज द प्रोसेस इज
lower the end of the chain. A man dropped the chain when the half of the chain is vertically up. Vertical position. MGL by MGL. Half of the chain the walk done the main improve. Why main is me marne wala bhai kuch bhi maar do mark. यार नहीं आ रहा तो मत छोड़ दो ठीक है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कूलिंग द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई. ओके वेयर इज द डिफरेंस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग ऑफ एन इज इक्वल टू. अच्छा सबसे स्ट्रीम 1 4 है तो इन टू और थ्री में से ऑप्शन हो सकता है ठीक है. न्यूटन्स लॉ अकॉर्डिंग द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा थीटा. वेयर इन द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग एंड एन इज इक्वल टू. डेल्टा थीटा इज एन ओके थ्री वेयर दैट डिफरेंट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी. चलो टू मेरा होना चाहिए. द फोर्स एग्जर्टेड बाय द आइडियल स्ट्रिंग ऑफ द आइडियल पुली पी इज. टॉर्क लगा देंगे भाई. ई ए होता है ना टॉर्क में. ई ए साइन थीटा से करके हाँ साइन 60 होता है रूट 3/2 ई ए. सिमिलर खोजना है. सिमिलर फोर और एम जी टू और टू रूट टू. टू रूट टू देखो रूट टू भाई साहब. एम जी है रूट टू टू होना चाहिए. 45 60 60 120 होता है. अगर मैं रूट थ्री जोड़ा क्या आ रहा है 3/2 प्लस में रूट 3/2 जोड़ा टू रूट थ्री तो रूट थ्री बचना चाहिए. अरे आओ भाई मैं लूँ 45 प्लस 1/2 टू रूट टू बराबर तो गाइस यहाँ पर टू रूट टू की असम संभावना बन रही है. एम जी भी हमारा हो सकता है. फोर्स निकालना है. मैं क्या करूँ यहाँ पर यार समझ नहीं आ रहा. मैं मार दे रहा हूँ भाई रूट टू का एमजी का. कहते एक सिंपल पेंडुलम एक्सेलरेटेड टाइम पीरियड टी द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज कम्प्लीटली मेजर्ड इन अ नॉन विस्कस लिक्विड. द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज 1/16 द मटेरियल ऑफ द बॉब. इफ द बॉब इज इनसाइड द लिक्विड ऑल द टाइम्स इट्स पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन इन द लिक्विड इज. अब बेटा देखो 9 और 4 नहीं होंगे 7 और 8 में से होंगे. अगर मैं करूँ 1 - 1 सेकेंड भाई 1 - 1/16 ठीक है 16 - 17 अच्छा बच्चू ऑक्सीलेटिंग बॉबी तो मटेरियल इनसाइड अ लिक्विड भाई कुछ तो बताओ. लिक्विड ऑल द टाइम इट्स टाइम ऑफ ऑक्सीलेटिंग लिक्विड. टाइम का फॉर्मूला होता है ना भाई टी रूट अंडर एम यू एम जी टी रूट इतना करके कुछ होता है.
1/16 है, ये ऑप्शन सही है। एन ऑटोमोबाइल्स ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर पर आवर कैन यू स्टॉप एट अ डिस्टेंस 40 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर पर आवर मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर इज एज्यूम सो स्किडिंग। ओहो गाइस 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 400 और 100 तो नहीं होंगे भाई, 40 है तो 40 मीटर पर लुक रहा है, 80 है तो 80 किलोमीटर से जाए भाई। एज यू नो स्काइडिंग, यहाँ पर कोई स्काइडिंग नहीं है। मिनिमम पूछा है 160, मैक्सिमम 200। एक 160 होना चाहिए। इन द सर्किट सो इन द फिगर द सर्किट इन फिगर द सर्किट थ्रू देखो 4 ओम में 0.,  इसमें 3 ओम 4 ओम में 0.25 0.5 एम्पीयर सेम है, ठीक है। हमें बताना है ये सर्किट सोनी फिगर तो करंट थ्रू, तो देखो एक बार 3 ओम पे हम लोग निकाल लेते हैं भाई। 3 ओम कहाँ कहीं है, हाँ यहाँ 3 ओम है। आई आर होता है ना, मैं वेलोसिटी 9 दिया है, करंट निकालना है आर दिया है 3 एम्पीयर लगना चाहिए भाई। 4 की बात करें, 4 यहाँ है, 9 बराबर 4/9 करोगे तो 8 कुछ होगा भाई। नहीं 3 ओम रेसिस्टर का 0.25 एम्पीयर करंट होगा। यार कुछ तो बताओ तुम लोग यार, मनोज जैसे बैठे हो कमेंट में भी तुम लोग अपना आंसर नहीं बताते। ओ काके क्या करिए दिल क्या करिए। अच्छा इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो सीरीज में गया है, राइट। 10 10 13 है इंटू आई अपॉन इसका टू में 9 वोल्ट करेंट है। ओके तो मैं नाइन बाई 13 किया तो 13/9 किया, एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी तो 9 गया। अगर मैं 5 से करूँ 5/3 15 5/6 65 नहीं रॉन्ग मेथड है। अच्छा अब देखो यहाँ पे है 4 4 8 9 कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। अगर मैं करूँ ये तो ऐसे भी नहीं होगा भाई। अगर मैं सीरीज में ऐड करूं जैसे देखो 3 ओम रेसिस्टर 3 ओम रेसिस्टर राइट, इसमें 50 है 50 इसमें दिया, सारे रेसिस्टेंस का तो भाई वैसे अलग होना चाहिए। आई होप दिस वन इज करेक्ट भाई साहब। ए चार्ज पॉइंट इज इंटायर रीजन विच ऑफर द सेम रेसिस्टेंस अगेंस्ट इन मोशन एंड यूनिफॉर्म मैग्नेट द पार्टिकल ट्रेसेस द स्पाइरल पाथ सो एंड देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन कंजर्व्ड
स्पीड ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टेंट कंटिन्यूसली, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये चार्ज पार्टिकल है विच ऑफर सेम रेसिस्टेंस. Against its motion and uniform magnetic field exist in the region. Particle क्या करें, net force on the particle is always perpendicular to its direction of motion. Total mechanical energy of a particle remain conserved. Angular velocity of a particle remain constant. नहीं, constant तो कभी नहीं होगा. Speed of particle constant continuously. डी ऑप्शन ज़्यादातर सही लग रहा है. 870 सबसे कम है, 748 राइट, 790 और 800 में कुछ होगा. ए सिलेंडर विथ ए कैपेसिटी ऑफ इतना कंटेन एन हीलियम गैस राइट एट एचटीपी, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द गैस 20 डिग्री इज गिवन डैट आर इज कल टू 8.314. हमें क्या निकालना, हीट निकालना है भाई. सिक्सटी 7.7 लीटर है उसको गैस है एट एस टी पी, द अमाउंट ऑफ हीट नीड टू बी राइज टेम्परेचर. यहाँ पे क्या लगा हुआ है फॉर्मूला भाई, देखो 790 और 800 में से कोई एक आपका सही है, आपको वो चूज करना है. ठीक है, ये ठंडे जूलिज मोस्टली लग रहा है कि सही है. सेक्शन बी में भाई अटेम्प्ट करना है कोई 5, अब वो भी रिटर्न है. ठीक है, मार्क कैसे करते हैं, मार्क एज ए यूनिट वेक्टर 3/5 जूल मोशन टेक प्लेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ फोर्स. भाई इसको बनाने वाला हो गया ना, इसको बनाना पड़ेगा. एक सेकेंड, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ठीक है, वेलोसिटी है इसमें, ये 4 हो गया. मार्क कर गया इसको, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ बल्ब इंसिडेंट ऑन सरफेस इतना है एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लाइट इज इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड में. मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइट वेव निकालना है यार. लग रहा है वेव ऑप्टिक्स मुझे पढ़ना पड़ेगा. इसको भी मार्क करो, क्वेश्चन अच्छा है. देखिए
भाई इसको मैंने पोज किया था, तो इसको मैंने बनाया है, तो इसका आंसर मेरा 43 आ रहा है, राइट। तो मैं इसको सेव कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग इज कट अप ऑफ ए प्लेटिनम ट्यूब 8.5 सेंटीमीटर इंटरनल 8.7 एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, सपोज हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पेन बैलेंस। तो गाइस इसको गाइस मैं पॉज करके मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस अप्रॉक्स मेरे 56.27 आ रहा है, तो मैं पूरा ये लिख दे रहा हूँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये गाइस एसी सर्किट से था, इसका एक फार्मूला सर लिखवाए थे, तो इसे 20 एम्पियर आंसर होगा। और मैंने कितने किए इसमें, 3 अटेम्प्ट, कोई 5 करना है ना यार। तो गाइस ये मैं पॉज कर रहा था, मैं यार बना मैं आंसर बना रहा था, ठीक है। 5 डायोप्टर आया था, डी नहीं लिखने देते, सिर्फ 5 लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता भाई, इसको मैं पॉज कर लूँ फिर। गाइस ये भी मैंने सॉल्व कर दिया, तो 1/2 यहाँ पर लिखने को मिलेगा क्या, नहीं मिल रहा है, तो मुझे 1/2 को थोड़ा कटाना। तो यहाँ पे मैं 1/2 का मैं 0.5 लिख सकता हूँ। नाउ मुझे कितने, 3, 4, 5 बाकी सब हो गया, अब इसका नहीं छूना है यार। तो गाइस हम लोग को 40 मिनट्स लग गए फिजिक्स का कंप्लीट करने में, अब हम लोग केमिस्ट्री बना रहे हैं। सिंपल सी एक रिएक्शन दी गई है, तो उसमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, कहाँ भाई एक्स। अच्छा ओ हो भाई, इतने लोले क्वेश्चन मत पूछा कर यार, भाई आना नहीं, आ भी नहीं रहा। तो गाइस यहाँ पे 2 होगा, 2 होना चाहिए भाई। तो गाइस मुझे यहाँ पे लग रहा है 2 होना चाहिए। एक ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट गिवन इज रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 बाई इंटू एच बाई 2 पाई, द मोमेंटम ऑफ एस इलेक्ट्रॉन विल बी, एस इलेक्ट्रॉन का बताना। कष्ट हर दुख हर हर राई। अच्छा भाई रुको, अगर मैं एल की जगह 1 डालूँ, 1 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 2 ख़त्म, तो एच बाई पाई हो जाना चाहिए, एच बाई पाई तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो 1 होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पर गाइस 2 डालूँ, 2 इंटू 3 3, तो बात बन जानी चाहिए, नहीं बन रही है। 2 डाला तो 3 बार 3 6 कटा 6 प्लस 1/2 कैसे होगा। अब 0 डाल दूँ, 0 0 खत्म, जीरो डाल दे भाई। मिस्टी ऑक्साइड इज एन कॉमन नेम ऑफ, गाइस इसका ए ऑप्शन होगा 3-methyl-carbohexane कार्बोल्डिहाइड। हाँ प्रोडक्ट ऑफ फायर एंड ब्लास्ट फर्नेसेस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज गिवन, ये लग रहा है भाई कहाँ का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लग रही है क्वेश्चन। व्हेन ए 4.2 kg ऑफ Fe3 एंड आर अलाउड टू रिएक्ट विद अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड, गिवन मोलर मास इतना, मोलर एटॉमिक नंबर, मोलर एटॉमिक मास 1656, ठीक है। पूछ कर रहा भाई, ये पूछ रहा कितना रिएक्ट कर, देखो 4200 और सबसे कम क्या है 1400, इसमें से तो होगा नहीं, 2200 3660, इसमें से देखो कोई हो सकता है, ठीक है। देख भाई 3660 होनी चाहिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द गिवन एलिमेंट, एफ ओ सी एल एन सी एफ ओ सी एल सी एल एन बी आई एस यू एच एस बी। अच्छा ब्रोमियम, ब्रोमियम दो ऑप्शन में मैच खा रहा है भाई, सी बी ओ डी में, ठीक है। ब्रोमियम प्लेटिनम कार्बन सोडियम, ओके ब्रोमियम कार्बन एल्यूमिन भाई, डी नंबर होगा। अच्छा इसमें सारा अटेम्प्ट करना, मैं लगा 5 का अटेम्प्ट करना भाई। कहते हैं ग्राफ बिटवीन इतना और ये आर रेडियल डिस्टेंस ऑन बिलो द रिप्रेजेंट ऑफ, नहीं आवेगा। इन ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच
Fe3C2O4, Fe2C2O4, FeSO4 and Fe2SO4 3. In acidic medium, the number of moles in KMnO4 required is सबसे भाई ला ज़्यादा आपका है 3, सबसे कम है 1, राइट? हाँ, पर रिक्वायर्ड है 2 या 1.5, आई होप 2, भाई 2 ऑप्शन में मार रहा हूँ यार. प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दोनों का प्रोडक्ट बताना है भाई. बड़ा जंगली जैसा दिख रहा है इसे, इसको थोड़ा मार्क करो. अच्छा क्वेश्चन दिखा. कष्ट हर हन LDA CH3 CL2. अच्छा इथाइड है ना, तो इथाइड डाल रहा है भाई. या पहले से था H I LDA. देखो गाइस, इन दोनों में से ये और ये में से कोई होगा. देखो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से एच हटाएंगे तो एच आई बाहर जाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, राइट? यहाँ पर ए ही होना चाहिए भाई. विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज फॉलोड इन द रिएक्शन? LiLH4 एच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भाई. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे, देखो ये हाइड्रोजन का सोर्स होता है LiLH4. हमसे पूछो ना भाई, विच ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए. चल यार, कहते मैं द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, देखो इसमें A3 3 किस में रिपीट कर रहा है भाई. A3 3 आपका इसमें रिपीट कर रहा है, राइट? A2 2 उसका रिपीट कर रहा है, और बोलो भाई B11 है. पहले देखो A3 किसका हो सकता है, PtCl4 2- DsP2. देखो हम लोग बता दें, D कब लगता है, जब उसमें कोई वीक लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तब ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है तब D आ जाता है. डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन में 3 दिया है आपका. अब मैं कंफर्म हूँ भाई कि आपका ना Cl4D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन तो बताना है, पर निगेटिव है ना, 5 न्यूट्रल है तो SP3D2 4. एक सेकेंड भाई, डी का 3 क्या होगा, एक का पता चल गया तो समझो सब बन गया. प्लैटिनम Cl4 का 3 होगा, हमको भी निकाला भाई, या डी का बी का 4 होगा. ठीक है, तो इसके कारण से बी ऑप्शन होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का? R=K, कॉन्स्टेंट के बराबर होता है. फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है ना भाई, इसमें देखो हाफ लाइफ है, इसका क्या होता है ना, एक्स एक्सिस के कॉन्स्टेंट हो जाता है, इक्वल हो जाता है, मतलब कि. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट? हिंसबर्ग रिएजेंट से इनमें से कौन सा अमाइन है वो रिएक्ट नहीं करता है, हिंसबर्ग रिएजेंट? तो भाई हिंसबर्ग रिएजेंट मेरे को याद था, ट्राईथैलामिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन आइसोप्रोपाइल अमाइन होना चाहिए. तो गाइस इसका आंसर ट्राईथैलामिन होगा, क्योंकि टर्चरी अमाइन कभी भी नहीं रिएक्ट करता हिंसबर्ग रिएजेंट, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस कम हो जाती है. नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर प्रोडक्ट पी इज, ये तो ग्लूकोज है ना, सुक्रोज डी ग्लूकोज है. अच्छा, ने बी एच 4 से कर रहा है. नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स, एक बात बता, 16 10 4 में नहीं हो, 10 12 क्या है? स्टेरियो आइसोमर्स प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं, 10 या 12? नेम द स्टेरियो आइसोमर्स प्रोडक्ट पी. प्रोडक्ट पी के स्टेरियो आंसर 9 अनआंसर्ड. अभी बाकी हैं क्वेश्चंस. एक OH इधर दे सकता है, तो 2 2 4 5 6 7 8.
12 होगा इसका, अभी निकालें क्योंकि इसमें चार को कैरियल कर्म बन रहा है भाई। और चार का पावर करोगे 2n-1 यानी 4-1 करोगे तो तुम्हारा 12 आएगा। इन बी एफ थ्री बी ए बॉन्ड हैज ए सेम डबल, बोल रहा है क्या बी एफ बॉन्ड होते हैं उसका हैज सम डबल बॉन्ड करेक्टर एट द इज बॉन्ड इन डी लोकेट बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ बी एफ बॉन्ड इंडिकेट्स इट सिंगल बॉन्ड करेक्टर ऑल द बी एफ बॉन्ड आर सिंगल कोवेलेंट इन नेचर ऑल ऑफ द अबव आर इन आयोनिक। ज़्यादातर आंसर ना गाइस ऑल ऑफ द अबव होता है, ये मैं नहीं करूँगा। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मोनोक्लोरिनेट प्रोडक्ट इंडिकेट स्टीरियोसोमर्स कैन रिजल्ट व्हेन द अल्केन बिलो इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सी एल टू। एट और टू है ऐसे नहीं होगा, फोर और फाइव ठीक है। अल्केन है ना, ये क्या है चार है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मोनोक्लोरिनेट प्रोडक्ट इंड्यूस स्टीरियोसोमर्स कैन बी रिजल्ट व्हेन द अल्केन बिलो इज हीटेड विद सी एल टू। फाइव हो गया यार, ऑलमोस्ट वन आवर का वीडियो होने वाला अभी तो, अभी वन आवर कंप्लीट होगा। अभी हमें मैथ भी बनाना है, अभी तो सेक्शन ए ही में है गाइस, इसको छोड़ते हैं भाई। बहुत ज़्यादा क्या था क्वेश्चन, सॉरी सर दिखाना 1 4 2 4। नेक्स्ट, विच सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। एन एस सी एल नमक जल्दी खोल मिल जाता है, एन ए बी एस एस बेंजीन आई होप। देखो सी सिक्स वर्मोल तो सभी हैं, बी एस सी एल टू एन एस सी एल मुझे लग रहा। मिथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथेनॉल भाई, अरे भाई तो एन सी आर टी का क्वेश्चन है यार, एन सी आर टी का। मेथेनॉल को हम डिफरेंस करते हैं इथेनॉल से कैसे, ट्रीट करते हैं भाई। लुकास रिएजेंट हो सकता है, ट्रीटिंग विद सी आर ओ थ्री सोल्यूशन विद एस टू एस ओ फोर, सी आर ओ थ्री से करोगे मेथेनॉल को, सी आर ओ थ्री हीटिंग विद ए आई एन अल्कली। एक सेकेंड, इस सारे बच्चों को याद होगा आइडोफॉर्म टेस्ट, आयोडीन आ गया। चलो नेक्स्ट, जिंक ये देखो आ गया तुम्हारा, गिब्स एनर्जी निकालने का इज निगेटिव इफ, निगेटिव कब होता है गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी निगेटिव होता कब है भाई। सी वन है ये, आज ही पढ़ाऊँ अभी पढ़ाऊँ भाई। जेडन जेडन टू प्लस ये सी वन है, ये आपका कंजक्शन कर रहा है सी टू है, रिडक्शन कर रहा है, निगेटिव कब देगा भाई। निगेटिव देता नहीं है यार, मैं जहाँ तक देखा हूँ सी वन बराबर तो सब जीरो हो जाता है। इसमें भी क्या कहते हैं इनोट सेल, इनोट सेल जीरो होता है, लेकिन इस सेल में आपका डिफरेंस आता है। डिफरेंस ये आता है सर कि एक बार रिडक्शन ऊपर होता है, ऑक्सीडेशन नीचे आता है भाई। जब सी टू बड़ा होता है ना सी वन से तब होगा, कब ऑक्सीड रिडक्शन जब ज़्यादा होता है। अब आ गए सेक्शन बी में, कोई पाँच करना है। सिग्मा एसिड इज इम्पोर्टेंट भाई, ये नहीं बनाऊंगा मैं। द माइल्डली अल्कली मीडियम थ्राइसोल इज अनऑक्सीडाइज्ड बाय MnO4 ऑफ अल्किन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज ए इज गाइस यहाँ पर देखो थायो है, थायो किस लिए सल्फेट होता है, चार छः सिक्स होना चाहिए पता है। इसको मैं भाई बनाना रहता तो मैं पॉज कर दे रहा हूँ, ठीक है बुरा मत मानना भाई, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा प्लस माइनस वन आ रहा है, तो मैं इसको लिखूँगा कैसे, सिर्फ वन लिख दूँ। चलो अरे यार रिएक्शन है भाई, मोर लिटरली नहीं बनाना ये तो, मैं कभी नहीं बनाऊँगा ये। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, पॉज कर रहा हूँ भाई, पूरा मत मान भाई। इसमें जीरो एनर्जी आ रहा है यार, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ईजी भी है ये भी सही है, पॉज कर देता हूँ। हम अभी ना उठा 0.57 आंसर होगा। इलेक्ट्रो वोल्ट है व्हेन लाइट वेवलेंथ इतना फॉर गाइस, इसका 9 एम्पियर आ रहा है तो एम्पियर लिखा हुआ है, मैं 9 लिख देता हूँ। 3 2 2 4 1 5 अब नहीं करना है इसमें, ठीक है चलते हैं मैथ। वो गाइस मैथ में आ गए हैं, टोटल अभी मेरे पास अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1 आवर 40 मिनट्स हैं। 1 आवर 40 मिनट्स में हमें मैथ्स भी कम्प्लीट करना है, राइट करते हैं कंप्लीट। चलिए तो अगर जेई मेंस का क्वेश्चन साथ में सॉल्व करने में तो मज़ा आ रहा है भाई, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखने को मिल रही है। तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। कहता है फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फॉर द फॉर्म 1 प्लस आई अल्फा
is equals to z square x plus I y, then y square plus 4x plus 2, y square 4x plus minus 4 है, y square 4 minus 4x plus 4 है, y plus, देखो बात समझो, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपस में इंटरलिंक्ड है, तो चारों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन तुमको कह क्या रहा है वो देखना पड़ेगा। देख सकते हो x यहाँ पर निगेटिव दिया है, कहीं कहीं पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव, तो ऐसे ऑप्शन देखो हमको दिख रहा है ये दोनों, राइट। तो मैं यहाँ y की जगह y स्क्वायर है यहाँ 1 to i, i प्लस अल्फा फ्रॉम फॉर्म में 1 to i अल्फा, i अल्फा बिलोंग्स टू z स्क्वायर ऑफ इतना, ठीक है। मैं मारना चाहता हूँ भाई ये ऑप्शन, ए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन जो जानते हो भाई, कॉमन बताना क्या होता है नहीं जानते भाई तुम। देखो इसमें क्या दिया, एग्जैक्टली 3 रियल वैल्यू, एग्जैक्टली 1 रियल वैल्यू, एग्जैक्टली 2 रियल वैल्यू, इन्फिनिटली नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ टी, इन्फिनिटली। देखो इसमें सबसे लोवेस्ट है 1/2, सबसे ज़्यादा 4, ओके इसमें तो 1 1 1 2 होगा, ठीक है। 1 डालोगे 1 तो यहाँ पे क्या होएगा, होएगा होएगा होएगा, सॉल्व किया, अच्छा इक्वेशन ऑफ कॉट इनवर्स है यार, ट्रिगोमेट्री यार, 2 tan inverse x, वेयर डॉट वी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इज सेटिस्फाइड बाय कॉट, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, डी बाय डी एस कॉस इनवर्स रूट कॉस, देखो 50-50, पाई से पाई बाय 2 ग्रेटर, यानी 90 से हमें ज़्यादा लेना है, 90 नहीं, 90 से ज़्यादा लोगे कॉस का वैल्यू, 90 से अगर तुम ज़्यादा लेते हो, मान लो मैं लिया 180, तुम्हारा कॉस तो माइनस निगेटिव में आ रहा है, राइट, निगेटिव में आएगा, ठीक है, तो माइनस 1 हो गया, 1 प्लस sec x ले सकते हो, डी ऑप्शन होगा गाइस, बोरी भैया, ओहो भाई लॉग एक्स माइनस 1/3 वन में तो लॉग, अरे यार इतना लॉजिक का इतना क्वेश्चन हार्ड होता है यार, बच्चों की जो एग्जाम लोगे क्या लॉग्स, अरे भाई दिख सारा ऑप्शन सेव है भाई, क्या करें हम लोग, यहाँ मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, एडजॉइंट पे एडजॉइंट पे एडजॉइंट पे, ओ माय गॉड, हाइस्ट क्या है भाई 38 और सबसे कम क्या है 35, कैसे सॉल्व होगा यार, इसका हम लोग पावर को कुछ सच, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज भाई मेरे 36 होना चाहिए यार, गाइस यहाँ पर 36 ही में मार रहा हूँ, पाई भाई देखो भाई सबसे हाईएस्ट 4 है, सबसे लोएस्ट पाई है, तो 2π और 3π, फाइंड एरिया बाउंडेड रीजन, ओके अगर तुम एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी डालो, रुको डालते हैं हम लोग गाइस 2π, और 2 डाल के देख लिया करो, चेक करो, आर कैन बी रिलेशन विद सेट ऑफ अ रियल नंबर डिफाइंड आर वी एफ एफ इज इक्वल टू ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल्स टू 1 देन आर इज, देखो ए माइनस बी है ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव ए माइनस वी, मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव होगा इस तरह से, देखो ए माइनस बी है तो बी माइनस ए भी होगा, तो बात बराबर ही है, राइट, सिमेट्रिक चीज हो गया। वेन द रिमाइंडर वेन 15/23, 23/19 / 19 इज, देखो सबसे कम है 0 और सबसे हाईएस्ट क्या है 18, यानी 4 और 15 में देखना भाई, 15 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 19, फोर से 19 कटेगा
फिफ्टीन से नाइनटीन कटेगा, फोर से नाइनटीन भी नहीं कटेगा, फिफ्टीन से नाइनटीन भी नहीं कटेगा भाई। ओ गाइस यहाँ पर आप 15 और 30 को ऐड करना, 90 से डिवाइड करना, तब का रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, इसका आंसर जीरो होगा। बता दूँ अब क्या है यहाँ पर, देखते हो 90% क्वेश्चंस में हमारा ऐसे एलिमिनेशन कर रहे थे, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ ना भाई, सब में मत लगाने ट्रिक, मैं ये नहीं बनाऊंगा। एलिवेट एलिवेट एलिमेंट एक्स टेन टू जीरो, टेन पर एक्स टू, अच्छा लॉग फाइव लॉग टू लॉग फाइव एंड लॉग थ्री लॉग थ्री लॉग टू लॉग फोर, ओके टेन टू पावर एक्स का पावर करेंगे तो भाई यहाँ पे देखो सात सब साथ गया तीन, थ्री एक्स का पावर वन बाई एक्स टेन भाई है, खुजली है भाई खुजली है, मैं इसमें मरना चाहूँगा। चिकना ट्रिगो मैं थ्री लॉग लॉग टू मारूंगा भाई। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स वाई, भाई यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा। अगर तुम डिफ्रेंशिएशन करो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई डी एक्स का तो वाई हो जाएगा वाई इक्वल टू, और वन का डिफ्रेंशिएशन एक्स होता है तो एक्स प्लस में एक्स इन टू वाई है, यहाँ पे प्लस सी और ए कॉमा में ई प्लस टू ले लेना, ये हो जाएगा भाई। द मीन एंड वेरिएशन ऑफ सेवन एंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ सेवन ऑब्जर्वेशन आर एट एंड सिक्सटीन रेस्पेक्टिवली, इफ फाइव ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर टू फोर टेन एंड ट्वेल्व एंड फोर्टीन देन द डिफरेंस इन द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज, देखो हाईएस्ट फोर है लोवेस्ट वन है, यानी टू और थ्री में चूज करते हैं भाई। मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, मान लो टू ले लिया, दस में चार गया छः, मीन डिफरेंस हमारा टू है भाई, ठीक है दस चौदह हाँ सही है। एक पॉइंट पी है इतना इतना भाई मैं नहीं बनाने वाला, बना दे क्या पॉइंट पी है इतना शिफ्टेड थ्रू डिस्टेंस इतना मेजर टू ए पैरेलल लाइन एक प्लस वाई टू द डायरेक्शन द डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेट ऑफ द क्वाड मेजर इतना विद रिस्पेक्ट टू लाइन इतना, जीरो माइनस वन है सबसे कम, सबसे भी कम वो है माइनस थ्री और टू ले लो माइनस फोर थ्री ले लो, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालते हैं एक्स की जगह माइनस थ्री प्लस टू हो जाएगा माइनस वन देगा, राइट जीरो माइनस वन वन देगा, माइनस वन देगा नहीं बराबर हो रहा है, थ्री एंड माइनस फोर ले लो भाई, माइनस वन देगा नहीं दे रहा है, तो इस कगार में हमें क्या टू और वन कहते हो, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस मैं यहाँ पे ए ऑप्शन मार देता हूँ, हाँ मैं चला नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ फोर माइनस फोर वन सिक्स वन या द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स ऑफ द फोर फोकी लाइन, इलेवन क्लास का कॉन्सेप्ट एलिप्स वाला, देन द इसेंट्रिक ऑफ द एलिप्स इज, ओके 1.5 4.5 चलो वेस्ट है, देखा जा रहा है यहाँ पर 2.5 4 2.3 माइनस फोर चार बाई पाँच, आई ये मैं मार लगाऊंगा आंसर, हो ओरिजिन ऑफ सर्कल देन द सर्कमफेरेंस ऑफ, वाओ ओपी क्वेश्चन है, इफ ओ इफ ओ इज ओरिजिन एंड ओपी एंड ओक्यू आर द टेंजेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर बाई एट देन द सर्कमफेरेंस ऑफ ट्रायंगल इज, सर्कमफेरेंस निकालना है, हार्ड है थोड़ा, देखो सबसे ज़्यादा है 80 या सबसे कम है 50, यानी 16 सेंटीमीटर कन्वर्ट लगाना है, तो देर आर टेन स्टेशन है आर इन ए सर्कल रूट, अ ट्रेन हैज स्टॉप थ्री स्टेशन सो दैट नो टू स्टेशन आर कंसेक्यूटिव, दो को स्टेशन लगातार नहीं है, द नंबर ऑफ सच सेक्शन मस्ट बी, तो देखो वो तीन स्टेशन रुकता है यानी 30 दो को हैं यानी 50 यहाँ टेन स्टेशन ऑफ सर्कुलर रूट, ओके अरे भाई देखो यहाँ पे सेटअप 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 वट 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 द ट्रेन हैज टू स्टेशन थ्री स्टेशन सच दैट नो टू स्टेशन आर कंसेक्यूटिव, कोई भी तीन को स्टेशन रुकता है और दो को ऐसे दो को स्टेशन लगातार नहीं होते, एक पर रुका ठीक फिर दो लगातार नहीं एक कैप इस फिर एक लगातार रुक गया दूसरा आएगा यानी एक के साथ दो तो चार पाँच छ तीन है ना,
पेन कहाँ गया यार, पेन भी नहीं मिलते यार। तीन स्टेशन है, दोनों लगातार नहीं मिलता, ठीक है। बड़ा द्वंद चल रहा है भाई इसमें। तो गाइस यहाँ पर बनाने पे 50 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो मेथड मत लगाना। देखो अभी हमारे पास 1 आवर 20 मिनट टाइम है भाई। और उसके बाद इसमें 5 करना ही है, बस खत्म हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ इंटीग्रल टाइम वेस्ट मत करो। के ऑफ विच ऑफ द इक्वेशन फॉर विच ग्राफ फंक्शन इज इतना है, कट्स द लाइन वाई इजक्वल टू के एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। कथा श्री राम की गाइस 3 होगा। लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बताना भाई। वेफ एक्स ठीक है भाई। देखो 0π, 0π, π/2 पे, 3π/2 पे, 4π। ओहो गाइस अब सेक्शन बी में हमें कोई एक 5 बनाना है। तो 5 में आसान मैं खोज रहा हूँ, जैसे कि ये मिला हमें, कह रहा है कि फोकस है, मैं थोड़ा पॉज करके इसको बनाऊँगा, ठीक है। गाइज इसका 4 आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन चेक किया जाए, ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है, राइट, ये देखते हैं भाई, ठीक है। तो गाइज इसको सॉल्व किए हम लोग का 3 आंसर आ रहा है। ये नहीं बनाऊंगा भाई, मैं ट्रिगो नहीं देखना चाहता बनाना, ये बनाऊंगा, ये ठीक लग रहा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स। तो गाइज हमें पाई बाई 4 आ रहा, तो ए का वैल्यू शिफ्ट करना, तो पाई लिखा हुआ था, सिर्फ 4 लिख देते हैं। इजी क्वेश्चन है भाई, ये वेक्टर वाले हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन नहीं आएगा, ए प्लस बी निकालना है भाई। इसका बहुत क्रिटिकल आंसर आ रहा है, रूट 14 आ रहा है, लेकिन पता नहीं भाई कैसे होगा। लेकिन मैं इसका अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर, तो रिपीट कर रहा है 3.7256 कर रहा था, हम लोग 3.8 लिख दें भैया। लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं पूछा था, तब पर भी भाई दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नहीं देखना भाई अभी हमारे पास भाई, सच बोलूं तो गाइस कैसा लग रहा है बनाकर भाई। हम बहुत टाइम है हमारे पास बने में, भाई हमारे पास टाइम कितना है, 1 आवर 9 मिनट टाइम है हमारे पास, और हमने अभी तक सारे कंप्लीट कर लिए हैं। 3-4 क्वेश्चन बताने हैं बस, वही लास्ट 5 है। तो वही लास्ट के जो 1 घंटे बचते हैं भाई, आप लोग एग्जाम हॉल में क्या करना, जो आपको नहीं बन रहे हैं उसको बनाने की कोशिश करना। अगर बन रहे हैं तो ठीक, नहीं बन रहे तो मत बताना, बनाना नहीं है, नहीं तुक्का मारना, नहीं तो सारे जो भी नंबर आ रहे हैं वो भी चल जाएंगे तेरे। इसको मार करो, क्वेश्चन देखो ये 90 नंबर क्या कहता है। ये बनाते भाई, ये लाइन पास वाला हमको आता है। तो गाइज यहाँ पर मेरा 83 नंबर बन चुका, लेकिन यार 27/59 आ रहा है, पॉइंट कर रहे थे 0.45 कुछ है, अब तो मैं अप्रॉक्स में 4.5 लिखूँ कि 4.456 लिख दूँ। बाकी मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, जो हुआ है मैं बनाया। ये एक बार चेक करते हैं भाई, टाइम अभी है ना 1 आवर 5 मिनट्स अभी हमारे पास है। तो गाइज अब मेरे से नहीं लग रहा कि अब मेरे से कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो मैं यहीं पे इसको ना एंड करने वाला हूँ, सबमिट करने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पर हम मेरा सारा कंप्लीट हो गया जितना करना था, देख सकते हैं भाई हमने जितना अटैम्प्ट किया है भाई, 17 और 5 इसमें अटैम्प्ट किए थे, 16 उसमें, और मैथ्स में भी इतने ही हैं। तो गाइज एंड करते हैं टेस्ट को, आपके सामने करेंगे। तो जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट के साथ करते हैं एंड भाई। आपको रिजल्ट सब दिखेगा यहीं पर, ठीक है। देखो करते हैं एंड भाई, दिल धक धक कर रहा है। मैंने 64 आंसर किया है, 11 अनआंसर्ड किया है, मार्क्ड फॉर रिव्यू के लिए मैंने बोला था 4 क्वेश्चन। एंड टेस्ट करते हैं भाई यहाँ पे, चलो भाई जय श्री राम, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है भाई। ऑल ओवर इंडिया भाई यहाँ पर रिजल्ट बताता है इसको, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा मेथड अप्लाई लगा, अच्छा लगा, तो आप ऐसे दे सकते हो भाई, ठीक है ना। करा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 26 जनवरी, आज ही था। जत्र क्वेश्चन, द टेस्ट इन प्रोग्रेस, यू अटेम्प्ट हैज बीन सबमिटेड, रिपोर्ट कार्ड विल बी असेंबल आफ्टर लाइव टेस्ट इज कंप्लीटेड। तो गाइस अभी मेरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। जब आएगा मैं आपको उसी समय ऐड इस वीडियो में ऐड करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं इसको पॉज करके रख देता हूँ, चैनल विजिट कर लो गाइस फिर से, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार, 400 सब्सक्राइबर की जरूरत है भाई, कुछ नहीं होगा तो यूट्यूबर तो बन जाऊंगा ना भाई, ठीक है गाइस, ठीक है, सपोर्ट दिखाना है आपको। तो गाइस हम लोग जेई मेंस का भी एग्ज़ाम दिए भाई, उसका रिजल्ट आ गया है। तो उससे पहले भाई बहुत डर लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हम लोग बिना पढ़े एग्ज़ाम दिए, ठीक है। अब अपने थिंकिंग प्रोसेस पे दिए हैं, कितना हम लोग स्कोर कर पाते हैं, ये हमने जाँचने के लिए एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तब तक हम कर दिए, चलो। ओह भाई सब्सक्राइब भाई भाई एम कंप्लीट कर दिया, 400 सब्सक्राइबर का दिल खुश हो जाएगा। तो चलो रिजल्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है।
इंस्ट्रक्शन हो गए, री अटेम्प्ट टेस्ट नहीं देना है यार, फ्री था। ऊपर देखो अटेम्प्ट वन योर सिलेबस। अच्छा यहाँ से हम लोग को रिजल्ट देखना है, ठीक है। यहाँ से आइए लगाते हैं, अब यहाँ पे मेरा रिजल्ट दिखाएगा। गाइस क्रॉस योर फिंगर्स, योर टोटल मार्क्स 86 आउट ऑफ 300, करेक्ट 120 मार्क्स, इनकरेक्ट माइनस 24 क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, रैंक 301। भाई साहब ये एक ऑसम रिजल्ट है भाई, ऑसम बिना पढ़े, तुम समझ रहे हो। अरे भाई गजब यार, मुझे थोड़ा और मेहनत बढ़ा दूंगा भाई, तो जेई मेंस तो हलवा है यार, मेरे लिए हलवा हो गया ये, तो तुम लोगों के लिए हलवा गया भाई, लेकिन ये वीडियो जो देखेगा उसको लिए हलवा है भाई। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करा, लाइक करा, कमेंट कर सकते, अब मैं चला पार्टी बनाने भाई। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग चाहिए लिए। थैंक यू हमारा जो आप लोग टुक्का सिखा दे जेई मेंस में। चलो भाई बाय गाइस, चैनल को देख लो एक बार फिर से, सब्सक्राइब कर दो, 400 का एम है। बाय एवरीवन।